तो दोस्तों आज हम बात करेंगे Redmi 10 वर्सेस Moto का G22 के बारे में। बहुत सारे वीडियो में रिक्वेस्ट आया था कि 10 से 11,000 बजट है और उसमें कंफ्यूजन हो रहे कौन कौन से फ़ोन अच्छे हैं और लेना चाहिए, तो उसमें से दो फोन जो आज हम बात करेंगे वो है Redmi 10 वर्सेस Moto का G22। और Redmi 10 जो है वो कुछ पुराना फ़ोन नहीं है, अभी 2 वीक पहले ही लॉन्च हुआ है। अगर आप उसका वीडियो नहीं देखे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, डिटेल्स में आपको सब उसके बारे में पता चल जाएगा। तो उसके बारे में बात करेंगे, आज दोनों फ़ोन के बारे में बात करेंगे और स्पेक्स वाला ये कंपैरिजन होगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा फ़ोन अच्छा है, कौन सा थोड़ा कम अच्छा है, इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे बताया कि आज हम बात करेंगे Redmi 10 वर्सेस Moto का G22 के बारे में। तो सबसे पहले क्या बात करेंगे, डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन कस्टमर के ऊपर रहता है, यानी कि आपके ऊपर रहता है आपको कौन सा डिजाइन पसंद है। पर्सनली देखेंगे तो Redmi 10 का जो डिजाइन है वो थोड़ा आज के डिजाइन के हिसाब से थोड़ा ओल्ड स्कूल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको नॉच वाला डिस्प्ले मिल रहा है और जो Moto का G22 है वहाँ पे आपको पंच होल वाला, यानी कि जो बिंदी वाला ड्रॉप वाला डिस्प्ले बोलते हैं, वो आपको देखने को मिल जाता है। तो उसी हिसाब से देखें तो आप Moto का G22 को प्रिफर कर सकते हैं, क्योंकि उसका डिजाइन थोड़ा नया है। लेकिन जो Redmi 10 है वो पुराने, मतलब एक साल पहले जिस तरह का डिजाइन आता था नॉच वाला, उस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें दोनों अच्छा है, प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ दोनों आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ग्लास वगैरह या फिर मेटल वगैरह फिनिश देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल प्लास्टिक वगैरह के आपको देखने को मिल जाएगा। और G22 के डिजाइन की पूरा बात करें तो Moto E40 G31 इसका रिव्यू चैनल के ऊपर है, अगर नहीं देखे तो देख लेना, उसमें आपको पूरा सेम टू सेम जैसा डिजाइन है उसी तरह आपको यहाँ पर G22 का डिजाइन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले दोनों में आपको 720p वाला डिस्प्ले मिलेगा, LCD डिस्प्ले दोनों में मिलेगा, यानी कि HD प्लस वाला मिलेगा। फुल HD प्लस जिसको बोलते हैं 1080p डिस्प्ले, वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, दोनों में आपको 720p डिस्प्ले मिलेगा। साइज की बात करते हैं तो जो Redmi 10 है वहाँ पे आपको 6.71 इंच का डिस्प्ले मिलता है, Moto की बात करते हैं तो 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलता है, तो थोड़ा सा छोटा है। और Moto में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो कि अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो 90 और 60Hz, यानी कि नॉर्मल पैनल जो रहता है वो 60Hz का रहता है, उसमें आपको ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर 120Hz होता है तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि 60 से 120 में फर्क है बोल के, लेकिन 60-90 में तो उतना ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो जो Redmi 10 है उसमें आपको 680 प्रोसेसर मिलता है, क्वालकॉम की तरफ से आता है, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 680 वाला प्रोसेसर, और Motorola में आपको MediaTek का G37 वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। और ये एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो G37 है वो ज़्यादातर G35 का सक्सेसर बोल सकते हैं, और G35 ज़्यादातर 7-8 हज़ार वाला जो फ़ोन आते थे एक साल पहले उसमें आपको देखने को मिल जाता है। इसमें अभी भी कुछ कुछ फ़ोन में देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर एक साल पहले वो देखने को मिल रहा था। लेकिन ये जो 680 प्रोसेसर, ये बहुत ही नया प्रोसेसर है और बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। और डिफरेंस की बात ये भी एक आप जान लें कि जो G35 है वो 12nm चिपसेट है, उसका जो आर्किटेक्चर है वो 12nm है, लेकिन बात करें 680 की तो ये 6nm वाला है। तो जितना आर्किटेक्चर आपका छोटा जाता है उतना परफॉर्मेंस और स्पीड भी आपको फर्क देखने को मिलता है, तो उसका लगभग आधा यहाँ पे 6nm बोलते हैं जिसको, वो आपको 680 में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको डेडिकेटेड GPU मिलता है, Adreno का 610 वाला GPU मिल जाता है 680 प्रोसेसर में। और बात करें G37 की तो वहाँ पे पावर वेयर का इंटीग्रेटेड वाला GPU देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे दोनों का रैम रोम वेरियंट की बात करते हैं, तो दोनों में आपको 4GB 64GB देखने को मिल जाता है, और Moto में एक ही वेरियंट देखने को मिलता है। लेकिन बात करें Redmi 10 की तो वहाँ पे और एक वेरियंट भी देखने को मिल जाता है आपको 6GB 120GB। तो हम लेकिन कंपेयर जो करें, क्योंकि सेम प्राइस में कर रहे हैं, तो 4GB 64GB दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। एक लेकिन एडवांटेज आपको जो Redmi का 10 है उसमें देखने को मिलता है वो है, यहाँ पे आपको UFS 2.2 देखने को मिलता है, यानी कि अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज 2.2 देखने को मिल जाता है। Moto की बात करें तो वहाँ पे आपको नॉर्मल UMC देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे डाटा ट्रांसफर वगैरह भी आपको बहुत फास्ट देखने को मिलेगा Redmi के फोन में एज कम्पेयर टू जो Moto का G22 है। अब बात करते हैं यहाँ पे कैमरे के बारे में। तो कैमरे में यहाँ पे आपको दोनों का प्राइमरी कैमरा जो है वो 50MP का है, लेकिन Redmi 10 में आपको और एक कैमरा मिलता है, यानी कि 50+2MP का कैमरा मिलता है, लेकिन जो Moto का G22 वहाँ पे आपको छुटपुट वाले और 3 कैमरे देखने को मिल जाते हैं। तो प्रैक्टिकली देखें तो दोनों का 50MP है, तो दोनों में कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन एडवांटेज जो मिलता है थोड़ा सा एकदम माइनर सा एडवांटेज बोल सकते हैं Moto में, वहाँ पे आपको एक छुटपुट के अंदर एक वाइड एंगल वाला छुटपुट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप कुछ वाइड एंगल शॉट लेना चाहते हैं तो उसमें Moto फायदा हो सकता है,
लेकिन अगर प्रक्रिया देखें तो नॉर्मल में दोनों आपको सेम देखने को मिल जाएंगे। और वही सेल्फी की बात करें तो मोटो G2 में फिर से आपको 16 MP का मिलता है, वही बात करें रेडमी 10 में आपको 5 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो जो सेल्फी कैमरा दिया है बस कुछ वीडियो कॉलिंग के लिए ही वो दिया गया है रेडमी में, अदरवाइज उसका कुछ काम नहीं, क्योंकि 5 MP आजकल के फ़ोन में देखने को भी नहीं मिलता है, उसमें आपको देखने को मिल रहा है इस प्राइस रेंज में। मोटो की बात करें तो ठीक ठाक है, 16 MP का आपको देखने को मिल जाता है। बाकी जो की बात करें तो 4G मिलता है, वोल्टी मिलता है, दोनों में आपको लगभग स्प्लैश प्रूफ देखने को मिल जाता है, यानी कि जो बूंदाबांदी से बचने का है वो आप बच सकते हैं दोनों फ़ोन में थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद बाकी पोर्ट वगैरह की बात करें तो दोनों में आपको 3.5 mm जैक मिल जाता है, दोनों में आपको टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। OS की बात करें तो यहाँ पे मोटो ऑब्वियसली बात है अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको एंड्रॉयड 12 बिना एड वाला देखने को मिल जाता है। जी हाँ, उसके OS में स्टॉक एंड्रॉयड आता है एंड्रॉयड 12, और एड वगैरह यानी ब्लोटर वगैरह ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता मोटोरोला के फ़ोन में। वही बात करें रेडमी 10 की तो यहाँ पर आपको MIUI 13 तो मिल जाता है, लेकिन एंड्रॉयड 11 के ऊपर देखने को मिल जाता है, और ऊपर से आपको पता हो कि MIUI में थोड़ा बहुत तो ब्लोटर आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि एड वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अब यहीं पे आखिर में बात करते हैं बैटरी के बारे में, तो जो Redmi 10 है वहाँ पे आपको 6000 mAh का बैटरी मिलता है। अब बात करते हैं G22 की, जो मोटो का G22 है, उसमें आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है, तो इसमें Redmi 10 आगे है। लेकिन एक चीज़ जो है, मोटो का G22 में आपको टर्बो चार्जर मिलता है 20W का, यानी कि 20W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है बॉक्स के अंदर। और बात करें Redmi 10 की, ये सपोर्ट करता है 18W फास्ट चार्जर को, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको एक 10W का चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि लगभग, क्योंकि मैं टेस्ट किया हूँ, तो लगभग 3.5 घंटा से लेकर 4 घंटा लग जाता है फुल चार्जर में, क्योंकि 6000 mAh का बैटरी है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर इसका डिटेल्स वीडियो देखना है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, और चैनल के ऊपर है, आप जाके देख सकते हैं एक्सट्रीम बैटरी टेस्ट, कितना टाइम चार्ज होने में लगता है, डिस्चार्ज होने में क्या लगता है, इन सब के बारे में आइडिया आपको मिल जाएगा। अब आखिर में कलर के बारे में बात कर लेते हैं, तो जो Redmi 10 है वो 3 कलर में आपको देखने को मिल जाता है, ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक कलर। और मोटो का जो G22 है वो ग्रीन एंड ब्लैक कलर में आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि 2 कलर में देखने को मिल जाता है। अब प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं और कहाँ पे मिलता है, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राइस के बारे में बात करें, दोनों का प्राइस पूरा समान है, कट टू कट है, यानी कि दोनों आपको 11,000 में देखने को मिलता है, 10999 बोल सकते हैं इनका जो एक्यूरेट प्राइस है, तो उतने में आपको दोनों फोन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोनों में आपको ऑफर डाल के 9999 यानी कि 10,000 में भी आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ कार्ड वगैरह हमेशा चलता रहता है, अगर वो आपके पास है तो आप 10,000 में भी ये दोनों फ़ोन को एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन जनरल जो नॉर्मल प्राइस है दोनों 11,000 में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ये दोनों फ़ोन कहाँ पर मिलते हैं, तो दोनों फ़ोन आपको flipkart.in के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो ये था दोस्तों Redmi 10 वर्सेस मोटो का G22 का डिटेल कंपैरिजन, आई होप आपको पता चल गया होगा कौन सा फ़ोन क्या कुछ है, मेरे हिसाब से बताऊंगा तो जो अगर आप अच्छा फ़ोन चाहते हैं, अच्छे प्रोसेसर के साथ चाहते हैं, तो Redmi 10 को कंसिडर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे G10 में तो आप G10 बोल रहा हूँ G22 में आपको अच्छा डिस्प्ले तो मिल जाता है, रिफ्रेश रेट भी 90Hz का दिया गया है, कैमरा में थोड़ा ज़्यादा कुछ दिया गया है, लेकिन अगर आप डे टू डे यूज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, लैग वगैरह थोड़ा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू जो 680 प्रोसेसर है, क्योंकि 680 प्रोसेसर ऐसा है कि ये जो है ये 14,000 फोन में भी आपको देखने को मिलता है, रियलमी 9i में, रेडमी नोट 11 में, इसमें भी देखने को मिलता है, और बहुत ही अच्छा प्रोसेसर, हीटअप वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, अगर गेम भी आप खेलते तो उसमें भी आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा, और डे टू डे आप जो यूज करते हैं उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, क्योंकि अच्छा पावरफुल प्रोसेसर है। वही बात करें जो MediaTek का G37 वाला प्रोसेसर है, उसका जो सक्सेसर, उससे पहले जो उसका आया था G35, वो तो 7-8 हज़ार में देखने को मिल रहा था, ये उसका सक्सेसर G37, और 12 NM चिपसेट है, तो इसमें आपको एज कम्पेयर टू इससे बहुत ही कम परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर नॉर्मल भी आप फेसबुक वगैरह यूट्यूब वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको धीरे धीरे करके 3-4 महीने के बाद लैग देखने को मिल सकता है। तो अगर आप मोटोरोला का फैन बॉय है तो जा सकते हैं मोटो G22 के ऊपर, और अगर आपको सिर्फ फोन ही अच्छा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी ब्रांड हो चलेगा, तो आप Redmi 10 को जरूर से कंसिडर कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आई होप आपको पता चल गया होगा कौन सा फोन ज़्यादा ऊपर है, कौन सा फोन ज़्यादा नीचे है, इन सब के बारे में पता चल गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे कर देना, नीचे लाल कलर का बटन है उसको दबा के ग्रे कर देना, और ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देखिए डिपेंड यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।